Question 3.1.2 show how root 5 can be represented on the number line. Number line के root 5 दिखाना. दो तरीके हैं दिखाने के. पहला देखो कैसे करेंगे. Root 5. Root 5 के पहले perfect square कौन सा आता है बता सकते हो? Root 5 के पहले आने वाला perfect square. कोई भी बताओ जिसको बताओ. सर 4. रूट फाइव के पहले का परफेक्ट स्क्वायर. फाइव के पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर. किसी को परफेक्ट स्क्वायर फाइव के पहले आने वाला सर 4. सर 4. 4 है ना. 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 4 किसका स्क्वायर है? 2 का. तो फाइव के पहले आने वाला परफेक्ट स्क्वायर है 4, वो भी 2 का स्क्वायर. हम लोग कैसे करेंगे? मैं आपको इसमें दो मेथड बता रहा हूं. एक नंबर लाइन निकाल लिया, जीरो दे दिया, पहले देख लेना फिर उसके बाद में निकालना. आपको कंपास में कितना भी डिस्टेंस ले लिया उसको हम लोग यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं. गिनने की जरूरत नहीं, अगर गिनना है तो गिन सकते हो. मान लो 2 सेंटीमीटर आपने डिस्टेंस ले लिया कंपास में, उसको बोलेंगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. डिले की जरूरत नहीं, ऐसे ही ले सकते हो अपने. अब यहां से कितना भी डिस्टेंस लेंगे, आर घुमा दिया, ये हुआ 1. 1 मतलब रूट 1 भी होता है, रूट 1 की वैल्यू 1 ही आती है. अब यहां से 90 डिग्री का एंगल निकालेंगे. आप फैक्टर रख दिया और 90 डिग्री का एंगल निकाल दिया. 90 डिग्री को हम लोग विदाउट प्रोटेक्टर भी आराम से निकाल सकते हैं, तुमको पता है ना, सीधा परपेंडिकुलर इसको आना चाहिए. अब ये जितना डिस्टेंस लिया था उतने ही डिस्टेंस से यहाँ से इधर एक आर्क घुमा लिया. जितना ये डिस्टेंस हमने लिया था उतने ही डिस्टेंस से यहाँ आर्क घुमा लिया. ये डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है. 1 मतलब यूनिट डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना भी हो, 2 सेंटीमीटर लो, 3 सेंटीमीटर लो, कितना भी. This is one, this is also one. तो अब मैं अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो ये OB की वैल्यू क्या आएगी? OB square is equal to OA square plus AB square. वो तो ही one है, one square plus one square, one plus one two. This is OB square. दोनों तरफ ले लिया है. तो OB की वैल्यू कितनी आई? Root 2. So this distance is, तो हमको दिखाना है नंबर लाइन. तो क्या करेंगे? तो डिस्टेंस भी क्या है कंपास में, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पकड़ेंगे और यहाँ पे पॉइंट रख के कंपास जैसे घुमा लेंगे. तो ये रूट टू जो डिस्टेंस यहाँ पे आया था हमने यहाँ घुमा लिया, ये हो गया हमारा रूट टू डिस्टेंस. दिस इज रूट टू. सेम प्रोसीजर कंटिन्यू करना है. यहाँ पे 90 डिग्री का ये बनाया रूट टू वाले पॉइंट पे. ये जो यूनिट डिस्टेंस स्टार्टिंग में दिया हुआ था उतने ही डिस्टेंस का यहाँ से आर घुमा दिया. इस पे ये जहाँ कटेगा अब ये होगा रूट थ्री. चेक कर सकते हो पाइथागोरस लगा. ये रूट थ्री होगा. ये कितना है? रूट टू. ये कितना है? 1. अगर मैं पाइथागोरस लगा तो क्या होगा इसको? अगर मैंने नाम दिया सी, दिस इज रूट टू एंड दिस इज 1. पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या आएगा? 2 सी स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. रूट 2 का स्क्वायर कितना? रूट 2 स्क्वायर इज 2. 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 1 इक्वल 3. दोनों तरफ ले लिया रूट. 2 सी की वैल्यू कितनी आई? रूट 3. ये आप लोगों को करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको समझना चाहिए इसलिए करके दिखा रहा. तो ये हुआ रूट 3. अब यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास में डिस्टेंस पकड़ेंगे, ओ से लेके सी तक, और यहाँ से कंपास ऐसे घुमा लेंगे. इस पॉइंट पे रखिए, स्क्रीन पॉइंट यहाँ होना चाहिए. ये आ गया हमारा रूट 3 नंबर लाइन पे. अब सिमिलर प्रोसीजर और आगे फॉलो करेंगे. अगर किसी को रूट 3 ही दिखाना है तो यहाँ अपना आंसर आ गया. रूट 5 की जगह अगर बोलते हैं रूट 3 दिखाओ तो ये अपना क्वेश्चन खत्म हो गया. अब रूट 4 दिखाता हूँ. अगला मैं जब निकालूंगा तो रूट 4 आएगा. यहाँ से फिर से आर घुमा दिया. ये जो डिस्टेंस हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ है वो आर यहाँ से घुमाया, इसको जोड़ दिया. अब ये है रूट 4.
यहां से देखिए यहां से आ समझ गया ये फोर आ गया फोर मतलब ही टू होता है फोर इज टू। अब यहां से 90 डिग्री का एक भी दिया है फिर से जो स्टार्टिंग में हमने डिस्टेंस दिया था यूनिट डिस्टेंस उतना आर घुमाया इसको जोड़ दिया और यहां से यहां तक डिस्टेंस पकड़ के यार घुमाया ये हुआ रूट पाई। तो हमने इस थोड़ा सा लंबा हो गया रूट टू रूट थ्री रूट फोर रूट फाइव। अभी मैं इसको आप लोगों को डायरेक्टली बताता हूँ तो कैसे कर सकते हैं थोड़ा एक दो स्टेप कम कर सकते हैं कैसे करेंगे कम स्टेप फोटो निकालो स्क्रीनशॉट ले लो इसको मैंने आपको पूछा था कि पाई के पहले आने वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है आपको मुझे बताया था फोर आता है तो फोर अगर आता है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको कैसे करेंगे जीरो लिया इतना भी डिस्टेंस लिया एक आर घुमा दिया ये हुआ वन वन मतलब पूर्ण वन भी बोल सकते हैं उतने ही डिस्टेंस का और आगे आप मान लिया ये जितना डिस्टेंस है उतना ही है ये वन टू टू मतलब डायरेक्ट हम लोग पहुंच गए रूट फोर पे। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या था पहले रूट टू आया फिर रूट थ्री आया फिर रूट फोर आया अब हम लोग डायरेक्टली रूट फोर पे पहुंच गए यहाँ पे 90 डिग्री का ये क्या ये जितना यूनिट डिस्टेंस हमने दिया था उतने का ही यहाँ से आर घुमा दिया ये डिस्टेंस इज इक्वल ये जितना डिस्टेंस है उतना ही है उतना ही है इसको जोड़ देता हूँ ये अभी हमारा डिस्टेंस रूट फाइव हो जाएगा। चेक करते हैं पाइथागोरस अगर लगाऊंगा तो आएगा ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओके स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर एक तो जो खत्म नहीं हो रहा है
लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है, ऐसा कि ये दिख रहा है। ये मैंने डॉट 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 इंडिकेट किया है, डॉट 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 दिखाया है, इसका मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट्स दैट दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। मैं डिवाइड करते जा रहा हूं करते जा रहा हूं, खत्म नहीं हो रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे। जैसे कि मान लो देखो, अगर मैंने क्वेश्चन को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये मेरा आंसर ऐसे आ रहा है 253 253 253 253, कंटिन्यूअसली यही आता, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है जैसे कि ये था, लेकिन इसमें रिपीट हो रहे डिजिट्स और इसमें रिपीट नहीं। तो इसमें से रैशनल नंबर कौन से है बताओ? तीन नंबर मैंने लिखे हैं, इसमें से रैशनल कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें से कोई रैशनल नंबर है कि नहीं है? मीत कुमार, मीत कुमार, यस सर, गुरु का डाला लक्ष्य तो दे, इसमें से कोई रैशनल नंबर है क्या तीन में से? सो द फर्स्ट वन सर, तुमका आवाज नहीं येते, नेटवर्क ले रहा तिकडे बरोबर। ओके ओके, चलो अर्जुन कुमार, द फर्स्ट वन किसने बताया? फर्स्ट वन समीर। ओके, करेक्ट है, करेक्ट, फर्स्ट वन इज अ रैशनल नंबर, करेक्ट। अर्जुन कुमार, सेकंड और थर्ड में कोई रैशनल है कि नहीं है? सर थर्ड, थर्ड इज अ रैशनल नंबर। पर्णिका, आपको क्या लग रहा है? सर थर्ड है, थर्ड, करेक्ट, दिस इज आल्सो रैशनल। कल मैंने बताया था रैशनल इरेशनल समझा के क्या, तो मैंने बताया था इरेशनल कौन सा होता है जो खत्म नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, बस वही इरेशनल जो यहाँ पे दिख रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या है, उन्होंने हमको कुछ क्वेश्चन दिया है और बोला है कि इसका डेसिमल फॉर्म में आंसर निकालो और फिर बताओ किस टाइप का डेसिमल, डेसिमल फॉर्म में है तो फिर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग बताएंगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर रिकरिंग है कि नहीं है, किस टाइप का है वो बताओ। अब एक हमेशा याद रखो, जो भी नंबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया है वो किस टाइप का नंबर होता है? रैशनल की इरेशनल, जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में है, यहाँ पे ये इंटीजर्स है तो दिस इज रैशनल नंबर, बराबर। रैशनल नंबर कभी भी दो ही टाइप का रहेगा, या तो वो डिवाइड करके आखिर में खत्म हो जाएगा, अगर खत्म नहीं होगा तो रिपीट होते रहे, दो ही टाइप का है, या तो टर्मिनेटिंग, यहाँ तो टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिकरिंग। मतलब ये जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिए है, छह के छह क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन टर्मिनेटिंग होंगे और कुछ अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिकरिंग होंगे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिकरिंग भी नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है इसमें, क्योंकि सारे क्वेश्चन पी बाय क्यू फॉर्म में दिया है, इंटीजर्स है, ठीक है, ऑल आर रैशनल नंबर्स। तो इसका आंसर निकालना है, पहला वाला तो ऐसे ही आ जाता है कुछ किए बगैर, इसका आंसर बताओ अब तुम्हारा क्या आएगा? 36/100 सर, 36/100 सर 0.36। वेरी गुड, 0.36 करेक्ट। हम लोग क्या करते हैं इसमें, दो जीरो है तो दो जीरो है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें दो संख्या छोड़ के पॉइंट दे देते हैं, हम यहाँ पे आ गया सिर्फ। अब ऐसे मान लो हमारा क्वेश्चन ऐसा होता है 8/1000, तो फिर आंसर क्या आता है सर? 0.08 नहीं सर, सर 0.008 अब ये यहाँ पे अगर मैं 10 की जीरो लिखता हूँ उसको कुछ पता है कि यार ये जीरो को कोई वैल्यू नहीं है, ये जीरो को तो वैल्यू नहीं है कुछ,
मैं इसका आंसर क्या आएगा 8/1000 का। तो 0.008 करेक्ट। यहाँ पे तीन जीरो है तो हम लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ से तीन संख्या छोड़ के पॉइंट लेके पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या पॉइंट, यहाँ एक 0.008 ठीक है। तो ये हो गया डेसिमल में इसका आंसर आ गया। अब ये है सवाल पूछा था कि डिवाइड करो बताओ किस टाइप का डेसिमल। इस टाइप का डेसिमल तो आगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दोनों हो गए हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहां हमको डिवाइड करना है और फिर आंसर बताना है कि क्या आंसर आने वाला है। तो मैं डिवाइड करता हूं 1/11, पहले जीरो से डिवाइड किया 1 आया, नीचे लेने के लिए संख्या नहीं है पॉइंट दिया जीरो, फिर से मुझे जीरो से भी डिवाइड करना पड़ेगा, जीरो से डिवाइड किया 10 आया और एक जीरो दिया 11 का 99 आया 1। एक वक्त पे एक ही हमेशा जीरो ले सकते हैं याद रखना, एक ही संख्या नीचे आती है माइनस के 1 आया एक ही जीरो ले सकता हूँ, दो नहीं ले सकता, 10 आने के बाद डिवाइड नहीं कर सकता, फिर से जीरो का ही करना पड़ेगा 10 फिर किया जीरो 0.09 पड़ेगा, दोनों का मीनिंग सेम है तो डॉट 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 देंगे, इसका मतलब होता है कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिकरिंग है कि यहां पे तो हमने डबल लिखा हुआ ही है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यहां पे डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड या फिर बट रिकरिंग डेसिमल। तो कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो बेटा, कट रहा है क्या यहाँ से थोड़ा सा? ओके अब देखो एक स्क्रीनशॉट ले लो, कंफ्यूजन है बताओ। ये डिवीजन अपने को फेयर में करके दिखाना है, सिर्फ आंसर लिखेंगे तो मार्क कट जाएंगे, डिवीजन फेयर में करना है। क्वेश्चन और करते हैं उसमें से कौन सा क्वेश्चन करके तो बताओ, सारे एक जैसे ही वैसे डिफरेंस ज्यादा नहीं, कौन सा करो अर्जुन कुमार बताओ सर, माझे कडे तो नाही बुक असने में अर्जुन, और कौन सा करना है सर? सर मला 9 ची बुकच नाही मिळाली मॅथ ची। हो हो चलो चलो कोई बात नाही, तो तू डाउनलोड काने केलं पीडीएफ क्यों नाही डाउनलोड करे सर? आज करून टाकेल मी डाउनलोड। ओके चलो, फोर इंटीजर बनना है थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसको ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया है उसको हम लोग पहले बराबर एक प्रॉपर फ्रैक्शन तैयार करते हैं, तो कैसे करेंगे इसको इंटू करेंगे, फोर इंटू ऊपर वाला नंबर ऐड करते हैं हमेशा और डिनोमिनेटर वैसे ही रहता है, 4 8 32 ऊपर वाला नंबर ऐड कर दिया 33/8। अब मैं डिवाइड कर देता हूं, अभी आप लोग बता सकते हो क्या मैं डिवाइड कब करूंगा तो आंसर टर्मिनेटिंग रहेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, बता सकते हो हम लोग विदाउट डिवाइडिंग? हम लोग बता सकते हैं क्या कि आंसर अपना टर्मिनेटिंग रहेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, कि डिवाइड करने के बाद ही पता चलेगा आपको? Non-terminating रहेगा, तो मतलब without dividing बोल सकते हैं कुछ उसके पीछे कुछ पड़ता है कि ऐसे मतलब तुक्का मार दिया कुछ ऐसा पड़ता है कि जहां से हम लोग बता सकते हैं without dividing कि whether the answer will be terminating or non-terminating, कुछ पड़ता है उसका
एक उसका हाँ कर्णिका बताओ सर। सर अगर वो नंबर डिविजिबल होगा जिसे डिवाइड हो रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा आंसर, अगर नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा आंसर। करेक्ट, आपने बराबर बताया कि अगर डिवाइड होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, डिवाइड नहीं करता होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, करेक्ट है। लेकिन विदाउट डिवाइडिंग, डिवाइड किए बगैर मैं सिर्फ ऐसे देख के बता सकता हूँ क्या कि इसका आंसर मेरा टर्मिनेटिंग आने वाला है कि नॉन टर्मिनेटिंग आने वाला है, किसी को पता है? देख हम लोग विदाउट डिवाइडिंग बता सकते हैं, सिर्फ करना क्या है डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर कैसा है, ऐसा है मतलब उसके फैक्टर्स देखना है क्या है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ टू या फाइव इन दोनों में से ही कोई संख्या अगर है तो जब डिवाइड करेंगे तो आंसर टर्मिनेटिंग रहेगा। क्या बताया मैंने, इफ द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर ओनली टू और ओनली फाइव और बोथ, टू या फाइव में से कोई भी चलेगा, दोनों चलेंगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर में अगर सिर्फ दो या पांच है तो हमारा आंसर टर्मिनेटिंग होता है। अब जैसे अपना डिनोमिनेटर आठ, तो इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, टू इंटू टू, मतलब सिर्फ टू ही है, तो इसका मतलब ये जो आंसर रहेगा ये टर्मिनेटिंग रहेगा। इफ द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स ओनली टू और फाइव और बोथ देन इट इज अ टर्मिनेटिंग डिजिट। दो या पांच छोड़ के दूसरा कोई भी अगर नंबर आता है डिनोमिनेटर के फैक्टर में तब वो हमेशा आंसर रहेगा रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग आंसर। अभी डिवाइड करके चेक करते हैं, 8 4 32 1 पॉइंट दिया 0 दिया, 8 1 8 2 आया 0, 8 2 16 4 आया 0, 8 5 14 अपना आंसर आ गया टर्मिनेटिंग। देयरफॉर फाइनल आंसर इज 32/8 33/8 फाइनल आंसर आया 4.125 इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक स्क्रीनशॉट ले लो, कंक्लूजन बताओ। और बताओ उसमें से कोई क्वेश्चन सर? सिक्स फिफ्थ मतलब कि सिक्स मतलब सिक्स लास्ट। ओके 329/400 अब इसका भी आंसर हम लोग पहले ही चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर जो रहेगा वो टर्मिनेटिंग रहेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपेयरिंग रहेगा। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या आएंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या लिखा 8 5 और साथ में लिख देता हूं इनटू 10 8 5 40 साथ में 10 8 का फैक्टर 2 इनटू 2 इनटू 5 का भी कुछ फैक्टर्स नहीं पड़ेंगे 5 में से रहेगा और 10 हो गया 5। तो देखो फैक्टर्स में क्या है, सिर्फ 2 और 5 ही है, इसका मतलब अगर फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 है दो में से कोई भी एक है या दोनों ही है तो अपना आंसर हमेशा टर्मिनेटिंग होता है, तो इसका आंसर भी टर्मिनेटिंग आने वाला है। डिवाइड कर देता हूं 329 को 400 से डिवाइड करूं तो पहले तो जीरो से ही डिवाइड करना पड़ेगा, 0 329 बचा पॉइंट क्लियर 0 दिया तो 4 8 32 दो जीरो माइनस कर देता हूं 90 आया, 1 0 लिया, 4 2 8 800 आया, 100 बचा, 1 0 लिया, फिर से 4 2 8 200 बचा, 1 0 लिया, 4 5 20 और ये 4 0 आ गया हमारा आंसर। टर्मिनेटिंग क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर इज 0.8225 डेसिमल। कंफ्यूजन है कुछ? एक स्क्रीनशॉट ले लो।
सेकंड क्वेश्चन में बोला है 1/7 की वैल्यू कितनी आती है दिया है. कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन. इफ सो हाउ. तो 6/7 तक की वैल्यू हमको निकालना है. 1/7 अगर दिया है तो 2/7 की निकाल सकते हो. क्या पूछा है? 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? सब कुछ है. तो ये 2/7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? 2 × 1/7. 2/7 मतलब 2 × 1/7 ही हुआ. तो इसका मतलब ये हुआ है 2 × 0.1/7 की वैल्यू डाल देता हूँ 1, 4, 2, 8, 5, 7. इसको इंटू कर रहा हूँ और देख सिंपल 2 से इसको इंटू कर रहा हूँ. दो पॉइंट वैसे ही रहने दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया. 2 × 7 = 14. अब करके दिखाऊं मैं 1, 4, 2, 8, 5, 7. इसको इंटू टू कर दूंगा, सिंपल इंटू टू कर दूंगा. 2 × 7 = 14. 4 × 2 = 5, 10 + 11. 1 × 10 = 16 + 1 = 17. 7 × 10 = 4 + 1 = 5. 0.142857 × 3. आंसर 4 × 2 = 8/7 = 0.42857. इसके दे दिया बात. सिमिलरली 4/7 का भी निकाल लेते. 4/7 = 4 × 1/7. 4 × 0.1/7 की वैल्यू दिया है हमको 1, 4, 2, 8, 5, 7. मैं इसको 4 कर देता हूँ. आंसर हमारा 0.57142. नेक्स्ट क्वेश्चन 5/7 दैट इज 5 × 1/7. 5 × 0.142857 × 5 से. आगे आंसर हमारा लास्ट 6/7 को करना है 6 × 1/7 दैट इज 6 × 0.142857. इसको इंटू 6 कर रहा. क्वेश्चन खत्म. मुझे नहीं बताओ.